एक बच्चा हमसे एक शिकायत लेके आया था। क्या शिकायत थी तेरी? ये देखो लाइट्स लग गई। तो दिखाओ ना, हम दिखाए आपको। हाँ, कोई चक्कर नहीं। नहीं, मैंने भी नहीं ना आना चाहता, ऐसे थोड़ी होता है। बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं। इधर की तैयारी हो रही है, देखो लाइटे वगैरह अभी आपको कम नजर आ रही है, रात को ज्यादा नजर आएगी जगमग होते। ये लाइटें चलो अब लगी है ना, अगर यही लाइटें दिवाली से पहले या बाद में लगती है ना, लोगों को लगना मेरी शादी हो रही है। तो अभी मैं घर पे बैठा था, दीपक भाई को बुलाया मेरा हेयर कट कर दो। तो दीपक भाई कहते मैं 5 मिनट में आया। 5 मिनट में आए नहीं, इन्होंने मुझे बुलाया। इनकी बाइक हो गई है खराब रास्ते में और मैं लेके आया हूँ टीटू पाजी की एक्टिवा। फिर बाइक कैसे लगी रहा है? लगी रहा तो लगी रहा, बस चोरी हो जाए कोई चक्कर तो नहीं ना, किसी की दिवाली बन जाएगी आपको क्या? वो सारी नहीं होनी। तो दीपक भाई थैंक यू सो मच, आपकी वजह से मुझे एक्टिवा चलाने का मौका मिला है। तो चलो फिर मेरे यूट्यूब की पहली वीडियो जिसमें मैं एक्टिवा चला रहा हूँ। देखा वो भी बिना तनख्वाह के। फाइनली दीपक भाई घर पहुंच गए हैं और दीपक भाई ने रास्ते में जो बात कही ना, कहते देखो मैंने स्टेशनरी के बेटे को ड्राइवर रखा, ये बात कह के इनका गला खुद ही सूख गया। आगे पानी मांगा इन्होंने। तो चलो फिर मिलते हैं अच्छी सी लुक के साथ। यहाँ पे दीपक भाई जिम को देख के एंजॉय कर रहे हैं, लगाने का बहुत मन है पर टाइम नहीं है। और दीपक भाई वैसे इस जिम में आके लोग प्रोटीन पीते हैं, पहले बंदे जो चाय पी रहे हैं। फाइनली मैं ना हाथ धोके तैयार हो गया। बढ़िया ही, बड़ा सुंदर लग रहा है कि क्या बात है। मम्मा ने आज वो डायलॉग बोला है जो मैं काट भी ना सकूं। मम्मा बड़ी चीज है, सुंदर लग रहा है, कदे नजर लग जाए। मम्मा ने रिपीट डायलॉग वही बोला है। मैं आप सबसे ये जानना चाहता हूँ, किस किस को लगता है कि हमारे ये घर पे लाइट कम है? मुझे लगता है। आपको भी लगता है क्या? आपको भी लगता है ये घर पे लाइट कम है? क्योंकि मुंबई में तो काफी लाइट है ना घर पे, है ना? तो चलो अभी इस घर के बाद हम उस घर पे जा रहे हैं जो यहाँ से भी लाइट कम है। हम जा रहे हैं किरणा मामी के घर। जो लाइट की बात हो रही है ना, हम आपको दिखाते हैं जो बाहर लाइट है। आज जो बाहर का हमारे घर का व्यू है वो आपको दिखाते हैं। चलो आज फाइनली हम घर के बाहर आ गए हैं और आप पीछे देख रहे हो हमारे घर की लाइट, आपको कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताना। नहीं, हमारा घर ना इधर है। अच्छा सॉरी, उनके घर की लाइट। चलो उधर की भी अच्छी है वैसे। तो मुझे एक बात बता, टीटू भाई क्यों मुंह बना के बैठे हुए उधर? पता नहीं ना, मुझे कमेंट भी आया था टीटू भाई हंसते क्यों नहीं है ज्यादा। हंस के दिखाओ। हमसे गलती हो गई, हमसे गलती हो गई, ये हम लगाएंगे ट्रेलर। मेरा घर है साथ से सुंदर, सुंदर में मच्छर आए कैसे? बस एक क्या हो गया आज मम्मा, स्वर्ग में मच्छर आए कैसे? ऐसे बोला था ना, मैंने गलत बोल दिया। ये गाना ना मैंने हमेशा ना सुना भी मम्मी से ही है, फिर मैंने एक दिन स्पेशल लगाया, यार ये है भी है ना, लगाया था ना, है वही था ना, है। तो अभी हम जा रहे हैं मजिठा रोड किरणा मामी के घर। किरणा मामी को हमने फोन किया था कि मामी जी आपके लिए हम दिवाली के लिए तोहफा लेके आना चाहते थे, पर अभी दुकानें बंद हो गई हैं। मामी हमारी इतनी अच्छी है, वो कहते नहीं हमारे घर के बाहर एक दुकान है वो खुली हुई है। तो हम जा रहे हैं मजिठा रोड ही, बर्तनों की शॉप है और गिफ्ट हम मामी की पसंद का ले रहे हैं। हमने सिंपल है यार, जो अपने होते हैं ना उनसे पूछ लिया जाता है कि अगर आपको जो चीज की जरूरत है हम आपको वही गिफ्ट करते हैं। बिल्कुल सही। टीटू भाई आप पूछ सकते हैं हमें अगर कुछ गिफ्ट करना होगा हमें। बताओ क्या लेना है? तवा, कोई कड़छी, कोई चमचा? डेढ़ बजे आप कैश ही दे देना मुझे। ओए ओए ये कहाँ के लिए ले रहे हो मम्मा? बॉम्बे के लिए। वहाँ से मिली नहीं ना आपको अच्छी सी? ऐसी मांग रहे तो देख लो यहाँ मिल गई है। तो हम आए हैं इनके यहाँ पे शॉप, बहुत अच्छी शॉप है, मैं जब आती हूँ इधर शॉपिंग में जरूर करके जाती है इधर। हाँ अभी फिर हम आए हुए मजीठा रोड। मैं तो शिखा को मिस कर रही। शिखा घर पे है ना?
जान पहचान वाले थे यार, वो वीडियो देखते थे हमारी ना, तो उनको बताया मैं बाहर गाड़ी में बैठा हूँ। नहीं फिर हमारी कहाँ होनी थी इतनी इज्जत। अगर उनको पता चल जाता टीटू भाजी भी आए हैं तो फिर तो बस बस जो पानी भी पिलाया ना वो भी कैंसिल कर देना था उन्होंने। अच्छा ये हम ब्लॉग में लगाएंगे, 50 रुपए का पैकेट से सारा। वैसे जैसे फुलन को रंगोली बनानी है वैसे ले आए मैं लौटा जाएगी। हां सब की करेंगे सब्जी, अंदर बनाएंगे फुलन की, बाहर बनावांगे अब। तो दिवाली पे हम बनाएंगे रंगोली, सिंपल सी, ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं लगानी क्योंकि। और रंगोली आपको याद है ना जैसे मम्मा हाथ में मेहंदी लगाते हैं अपने, वैसी होगी रंगोली। नहीं मैंने चैलेंज किया था मैं खूबसूरत बनाऊंगी। एक जरूरी डायलॉग आया था, मम्मी कह रहे हैं जब आए ना तो पहले बड़े आराम से ले लिया गिफ्ट, अब बोल रहे कहते ये जरूरी था। मैंने कहा हमने चाय पीनी होती है तो हम इसलिए लेके आए। नहीं साक्षी ने बोला हमने चाय पीनी होने, मैंने कहा मैंने कौन से सब्जी वाले कुकर में चाय पिलानी। चलो कोई बात नहीं मम्मी आप इसको संभाल के रख लो, मुस्कान के दहेज में काम आएगा। तो देखो सुमित ने कुर्ता पजामा ऑर्डर किया था वो अमेजोन से, वो आ गया है। मुझे कह रहा था, कहता चीज पहनो अगर पसंद नहीं आती तो वापस भेज दिया करो। एक हफ्ते का टाइम होता ना, हाँ। जब आएगा शादी देखकर वापस कर दिया। अभी हमने खाना खा लिया है पर एक बच्चा हमसे एक शिकायत लेके आया था। क्या शिकायत थी तेरी? क्या उन्होंने मेरे सीन काट दिए थे सारे। असल में क्या हुआ, लास्ट टाइम हम इसको मिले थे, इसके साथ एक ब्लॉग बनाया था, पर एडिटिंग नाम की चीज होती है आपको पता है, मैं 8 मिनट का ब्लॉग डालता हूँ। तो ये भाई साहब मेरे से आ गए थे, कहते हैं आपने मेरा वो सीन ही लगाया, वो सीन ही लगाया। तो फिर दोस्तों ने पहचाना तुझे, क्या कहते हैं? कहते कि बहुत अच्छा है। अच्छा लगा? कौन अच्छा है, मैं या आप? सब। आए समझदार बच्चा है। अच्छा ये बता कि तूने बड़ा होके क्या बनना है? फौजी। फौजी, वाह। क्या क्वालिटी है तेरे में तुझे लगना शुरू हो गया कि तू फौजी बन सकता है? यूट्यूब देखा और तुझे लगा मैं फौजी बन सकता हूँ? यूट्यूब देख के तो बंदे को लगना शुरू हो जाता है कि यूट्यूबर बन सकता हूँ। फौजी क्यों बनना तूने? मुझे यूट्यूबर बनना है। यूट्यूबर ना, पर तूने बोला फौजी बनना है। अभी अभी माइंड चेंज हो गया, अभी 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 इसने फौजी बनना था, अभी यूट्यूबर बनना है। अभी हाथ में गन होनी थी, अभी मोबाइल हो गया। अच्छा हमारे पूरे परिवार में से सबसे अच्छा कौन लगता तुझे? सब। सब? वीडियो मैंने एडिट करनी है, लास्ट टाइम तेरा सीन काट दिए थे मैंने, याद कर ले ठीक है। तो अभी भी एडिटिंग मैंने ही करनी है, तो अभी भी फिर सोच ले किसकी तारीफ करनी तूने, पूरे घर में से तुम्हें कौन अच्छा लगता है? आए देखो बच्चा कितना समझदार है। यूट्यूबर को यूट्यूब पे आने के लिए क्या क्या करना पड़ता है आज इस बच्चे ने बता दिया। तो जब मम्मा मुंबई थी तो मैं उनके घर कुछ लेने कुछ वैसे काम से गई थी, और मुझे ना स्पेशल वीडियो देखते देखते बोलता है मुस्कान तू इधर आ, मैं क्या हुआ? कहता है ये देख तू घर बैठी हो, तेरे मम्मा उधर घूम रहे, सुमित और मम्मा घूम रहे हैं, तू घर बैठ के काम ही करी जा। मैं क्यों क्या हुआ? कहता ये देख कभी उस जगह कभी उस जगह समुंदर में कभी वहाँ, ये मुझे इतनी चैर सी फील करवाता है, मैंने मम्मा को स्पेशल अब घर आओ अभी आओ बुला ले। तुझे क्या मिलता था क्लेश डाल के? हैं मजा आता ना वैसे। तो चलो फिर दोस्तों अभी आप सबको हमारी तरफ से, हमारी पूरी फैमिली की तरफ से आपको हैप्पी दिवाली इन एडवांस।